चलो बॉयज एंड गर्ल्स वेरी नेक्स्ट लेवल पर जाने वाले और हम कॉन्सेप्ट समझेंगे सो स्टॉक रिजर्व इस कॉन्सेप्ट पर एग्जाम में सोलह मार्क के क्वेश्चन आए हुए सिक्सटीन मार्क्स ठीक है स्टॉक रिजर्व इस कॉन्सेप्ट पर uh, और ये मैंने जैसे आपको कल लेक्चर लिया था तो दो लेक्चर इसमें सॉरी दो बार सोलह सोलह मार्क के क्वेश्चन आए हुए थे तो इसके चलते ये वाला कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा बट इसका एक डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है वो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम मैं आप सभी लोगों को रेगुलर बैच का जो लेक्चर है वही दूंगा क्योंकि वो उस डेप्थ में आपको करना चाहिए रिवीजन बैच में भी मैं उसी स्पीड से कराऊंगा धीरे से कराऊंगा तो व्हाट आई विल डू इज आई विल बी गिविंग यू रेगुलर बैच का वो एक डिफिकल्ट पार्ट का क्वेश्चन तो अभी आप जब मेरे साथ बात करोगे अगली थोड़ी देर के लिए तो आपको किस पर फोकस करना है यू विल हैव टू कंप्लीटली फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट सो दैट रेगुलर बैच में जब आपका क्वेश्चन होगा तब वो चीज़ आसानी से हो जाएगी हालांकि उसके बारे में मैं आपको एक टिंच जरूर दे दूंगा कि किस तरीके से उसको वर्कआउट करना इज दैट ओके और राइट सो बॉयज एंड गर्ल्स प्लीज अंडरस्टैंड द फर्स्ट पार्ट व्ट इज अ स्टॉक रिजर्व लेट्स टेक देर इज अ डिपार्टमेंट ए लेट्स टेक देर इज अ डिपार्टमेंट बी लेट्स टेक देर इज अ डिपार्टमेंट सी डिपार्टमेंट ए इज इन परचेस ऑफ कॉटन कॉटन समझते हो आप सो डिपार्टमेंट ए इज इनटू परचेस ऑफ कॉटन और कॉटन से वो बनाते हैं उसका यार्न यार्न पता चलता है कॉटन जो रहता है उससे बनने वाला धागा फिर डिपार्टमेंट बी को ये सप्लाई कर दिया जाता है डिपार्टमेंट बी उससे बनाता है क्लॉथ देयर आर वराइटी ऑफ द क्लॉथ विच आर मेड इन वराइटी ऑफ द शेड वराइटी ऑफ द कलर्स वगैरह वगैरह क्लॉथ एंड देन दिस क्लॉथ इज ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट सी एंड डिपार्टमेंट सी manufactures or makes finished goods or can i say ready mades it will make little more sense for you hai na so ready made ready mades actually agar aap dhyan se dekhenge to ready made department sells cloth department sell नहीं करता transfer करता है और यह भी क्या करता है transfer. अब बेटा issue क्या है कि सी वाला जो डिपार्टमेंट है उसके मैनेजर को रिवॉर्ड करने के लिए हमारे पास कोई स्ट्रक्चर है क्योंकि हमें वहां से प्रॉफिट निकल सकता है कि सेल इतने में हुआ इतनी कॉस्ट है पता चल गया अब ये बिचारा बी वाला जो मैनेजर है उसका कोई माल बिकता ही नहीं बाजार में अब बाजार में नहीं बिकता है तो कभी इसका पता ही नहीं चलता कि इसका प्रॉफिट कितना है सो रादर देन ट्रांसफरिंग एट कॉस्ट यह आपने कॉस्टिंग में भी पढ़ा होगा राधर देन ट्रांसफरिंग एट कॉस्ट यू विल ट्रांसफर सो ए डिपार्टमेंट क्या करेगा उसको कॉस्ट पर नहीं ट्रांसफर करेगा बी एंड बी ट्रांसफर इट टू दी अगेन एट मार्केट प्राइस एम आई कम्युनिकेटिंग इफ यूर गेटिंग माई पॉइंट हैव यू अंडरस्टूड वन सिंगल थिंग इगर लास्ट में माल बिक बिका नहीं बच गया है? गुड्स आर इनली सो ऑर्गेनाइजेशन के एंगल से देखो क्या ऑर्गेनाइजेशन उस प्रॉफिट को रियलाइज कर चुकी है या नहीं किया कैसे रियलाइज करेगी बेटा अगर हमारे पास ही माल है तो ए ने बी को ट्रांसफर किया सौ रुपए का माल दस रुपए एड कर एक सौ दस में किया एग्रीड अगर यह माल एक सौ दस का इधर ही है तो ए ने तो प्रॉफिट रिकॉगनाइज कर लिया ना बट ऑर्गेनाइजेशन के एंगल से कहा प्रॉफिट है सो टू रिवर्स दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड ए स्टॉक रिजर्व रिमेंबर दैट स्टॉक रिजर्व का एडजस्टमेंट इज ओनली डन इन केस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज ओनली डन इन केस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आई होप यू गॉट माई पॉइंट एवरी वन अग्रीज विथ दिस एंड गर्ल्स अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं आपको एक ट्रिक देता हूं ट्रिक एकदम सिंपल है क्या ट्रिक है बेटा अगर आपको याद होगा सेल होता है माल सेल तो आप ट्रेडिंग के कौन से साइड में लिखते हो क्रेडिट साइड में वेरी गुड जब भी माल बाहर जाएगा तब आप उस अकाउंट को क्रेडिट कर देते हो ट्रेडिंग को फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल ये देखो समझ में आ रहा है देखो सेल किया तो ट्रेडिंग को क्रेडिट परचेस किया माल अंदर आया तो डेबिट माल बाहर गया और किसे ड्राइंग से माल बाहर गया क्रेडिट याद आ रहा है लॉस बाय फायर क्या करेंगे क्रेडिट फ्री सैंपल क्या करेंगे क्रेडिट अरे और तो और ब्रांच में मैंने ये भी बताया था गुड्स सेंट टू ब्रांच क्रेडिट याद आ रहा है कि नहीं आ रहा ट्रेडिंग के क्रेडिट तो यहां पर भी रूल ध्यान में रखना एकदम सिंपल ट्रिक है बच्चों जिसने माल दिया उसको क्रेडिट जिसको मिला उसको डेबिट तुम रट्टा मार के जाओगे तो फंसोगे और ये ट्रिक आपको हमेशा बचा लेगी नॉट इवन अ सिंगल एक्सेप्शन हर बार बचा लेगी मतलब बचा लेगी तुमने दिमाग क्या लगाना जिसके यहां से माल गया उसको क्रेडिट क्योंकि वेन गुड्स गो आउट यू हैव टू क्रेडिट टू द ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट जिसको मिला उसको क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ है जो भी एक काफी पॉपुलर क्वेश्चन एक डिपार्टमेंटल में तो हम उस क्वेश्चन नंबर फोर्थ को करेंगे यू आर ऑल रिक्वेस्टेड टू कम डाउन टू क्वेश्चन नंबर फोर्थ अच्छा मैं इसमें स्टॉक रिजर्व का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा बट बस रिक्वेस्ट इतनी सी है कि थोड़े से समय के बाद में करूंगा समय के बाद में मतलब स्टॉक रिजर्व लास्ट पार्ट आता है ना सो so, थोड़ी सी देर के बाद में संतोष मॉडिल जाओ मेरा ये नहीं है इधर सो बॉयज एंड गर्ल्स कम डाउन टू दी के पास है मॉड्यूल मॉड्यूल है मॉड्यूल है किसी के चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर फोर के पास आ जाओ शिवा लिमिटेड हैज टू डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट अंडरलाइन डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट मतलब ये कॉलम नर फॉर्म में होगा क्या और जनरल पे एंडल अकाउंट मतलब एक सिंगल कॉलम अकाउंट बनेगा अब आगे बढ़ते फॉर द ईयर एंडिंग थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड एंड ट्वेल्व यू हैव गॉट ओपनिंग स्टॉक दिमाग लगा के बताओ ओपनिंग स्टॉक कहां ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड ठीक है परचेसेस कहां जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड कैरेज इन वर्ड ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड ध्यान से बेटा चेस गुड्स ट्रांसफर्ड ना वॉट डीन परचेज गुड्स प्रत्येक डिपार्टमेंट हर एक डिपार्टमेंट एक तो माल परचेस कर ट्रांसफर करता है या माल मैन्युफैक्चर कर ट्रांसफर करता है फॉर मतलब, एग्जाम्पल मैंने यह बाय किया और मैंने ट्रांसफर कर दिया दिस इज परचेस्ड एंड ट्रांसफर और दूसरा कौन सा मैन्युफैक्चर्ड एंड ट्रांसफर्ड तो देखो परचेस गुड्स ट्रांसफर्ड बाई डिपार्टमेंट वाई टू एक्स बाय डिपार्टमेंट एक्स टू वाई लॉजिक याद करो मैंने क्या बोला था जो ट्रांसफर करेगा उसको क्रेडिट तो बताओ बाय डिपार्टमेंट वाई किसने भेजा किसने भेजा वाई ने, ने भेजा तो वाई के क्रेडिट में एक्स के डेबिट में क्लियर हो रहा है एक्स। एक्स भेजा एक्स के क्रेडिट में वाई के डेबिट में दैट्स लवली फिनिश गुड्स ट्रांसफर चिंता मत करो फिनिश गुड्स ट्रांसफर बाय डिपार्टमेंट वाई टू एक्स वाई के क्रेडिट में एक्स के डेबिट में वेरी गुड क्योंकि वाई भेज रहा है तो वाई के क्रेडिट एक्स के डेबिट बाय डिपार्टमेंट एक्स टू वाई एक्स के क्रेडिट में वाई के डेबिट में रिटर्न ऑफ रिटर्निश गुड्स घाई मत करो रिटर्न ऑफ गुड्स मतलब फॉर एग्जाम्पल से सुनो ना परचेस किया और परचेस रिटर्न परचेस रिटर्न माइनस करते हैं ना परचेस में से अल्टरनेटिवली आई कैन राइट ऑन द क्रेडिट साइड सुनाजिन परचेस हुआ तो माल अंदर आया और परचेस रिटर्न में माल बाहर गया डू यू ऑल अप्रिशिएट माल बाहर गया तो उसको या तो परचेस में से लेस कर दे या क्रेडिट में हम यहां पर क्रेडिट साइड में लिखेंगे वापिस रूल वही है माल आ रहा है कि जा रहा है ये देखो तो देखो रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स बाय डिपार्टमेंट वाई टू एक्स एक्स किसने किसको रिटर्न किया वाई वाई ने, ने को तो y के क्रेडिट में एक्स के डेबिट में बाय एक्स एक्स टू वाई के क्रेडिट में वाई के डेबिट में क्लियर है क्लोजिंग स्टॉक एज इट इज आप लिख दोगे हाँ या ना अब बेटा जरा ध्यान से देखो परचेज गुड्स है ट्रांसफर्ड म्यूचुअली एट दियर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंटल परचेज कॉस्ट एंड फिनिश गुड्स एट डिपार्टमेंटल मार्केट प्राइस मैं ऑफिस क्या बोलता हूँ परचेज गुड्स है डिपार्टमेंटल परचेज कॉस्ट एंड फिनिश गुड्स एट डिपार्टमेंटल मार्केट प्राइस इस लाइन का मीनिंग क्या है जब डिपार्टमेंट एक्स माल बास करता, करता है तो ये वाला माल अगर एक्स को वाई को ट्रांसफर करना है तो हंड्रेड कॉस्ट होगी तो कॉस्ट पर ही ट्रांसफर करेंगे अब ऐसा क्यों रूल है उनका कि वॉट एवर यू परचेस यू विल ट्रांसफर एट द सेम कॉस्ट यही बोला ना एट द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट परचेस कॉस्ट ट्रांसफर बट फिनिश गुड्स एट डिपार्टमेंटल मार्केट प्राइस तो कैन आई नॉट से अगर फिनिश गुड्स है जो हमने मैन्युफैक्चर किया एक्स हंड्रेड है तो हंड्रेड पर ट्रांसफर नहीं करेंगे मे बी वन थर्टी मार्केट प्राइस एग्रीड आगे बढ़ते हैं 25% of the closing finished stock with each department represents finished goods received from the other department Bita isko highlight karo you have got 96000 and you have got what 56000 you have got 96000 and you have got what 56000 ye finished goods hai kya? इसमें कुछ माल देखो 25 फाइव परसेंट ऑफ क्लोजिंग फिनिश स्टॉक विद ईच डिपार्टमेंट रिप्रेजेंट फिनिश गुड्स रिसीव फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट तो मुझे बताओ ये 96,000 में कुछ माल कहां से आया दूसरे डिपार्टमेंट और कितना आगा 25 परसेंट डू ऑल अप्रिशिएट यस सो बॉयज एंड गर्ल्स विद दिस वी स्टार्ट स्टोरी एंड लेट्स क्रिएट इन द बुक्स ऑफ इन द बुक्स ऑफ शिवा लिमिटेड देखो स्टॉक रिजर्व का मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा तो मैं इस क्वेश्चन को डिवाइड कर रहा हूं दो हिस्सों में फर्स्ट हिस्सों में पोस्टिंग के मार्क्स सेकेंड हिस्से में स्टॉक रिजर्व के मार्क्स so हम दोनों को हासिल करेंगे बट जो अभी रिलेटेड नहीं है उसको क्यों कंफ्यूज करना है जबरदस्ती सो राइट डाउन इन द बुक्स ऑफ इन द बुक्स ऑफ शिवा लिमिटेड एंड वी आर गोइंग टू क्रिएट ट्रेडिंग अकाउंट ट्रेडिंग एंड री एंडल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट Either column or department X, department Y, and make the column X and Y. Please be ready. Accuracy and speed both have to be there. Accuracy and speed both have to be there. Okay? So once you are ready, let me know so that we will go ahead together. Make the format. आगे बढ़ते बेटा ओपनिंग स्टॉक है सो कैन आई नॉट राइट डाउन टू ओपनिंग स्टॉक इन द ब्रैकेट लिखो बेटा एट कॉस्ट कॉस्ट ही बुलाए ना बेटा हाँ। कितना लिखेंगे बेटा एट्टी थाउजेंड फोर्टी एट थाउजेंड जहां पर तुमको अड़चन आए मुझे रोक देना yeah. फिर परचेसेस इजी है टू परचेसेस यस ट्रेडिंग के डेबिट में ही जाएगा परचेसेस थ्री लैख सिक्सटी एट थाउजेंड एंड टू लैख सेवेंटी टू थाउजेंड देन यू हैव गॉट टू कैरेज इन वर्ड टू कॅरेज इन वर्ड कितना बेटा जी एट थाउजंड अँड एट थाउजंड अँड इट विल बी पार्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट ओनली देन यू हॅव गॉट टू वेजेस वेजेस विल राईट डाऊन फोर्टी एट थाउजंड अँड थर्टी टू थाउजंड ऑन द क्रेडिट अँड साईड आय शेल राईट डाऊन बाय सेल्स अँड सेल्स वेल बी फाईव्हॅ सिक्स्टी थाउजंड फोर लॅक फोर्टी एट थाउजंड और अभी यहां पर लिखेंगे बाय बाय इफ यू आर रेडी लेट मी नो बाय ट्रांसफर ट्रांसफर है ना इसको अंडरलाइन करके परचेज गुड्स बेटा इधर परचेस गुड्स ट्रांसफर हुए तो इधर भी तो आएंगे ना एक इफेक्ट क्रेडिट में और एक इफेक्ट डेबिट में सो so, मैं इधर लिख के रखता हूं टू ट्रांसफर अंडरलाइन कर परचेज गुड्स क्या आपको यह समझ में आ रहा है क्या फिगर्स डालने के पहले मैं आपको यह बता रहा हूं कि ट्रांसफर किया परचेस गुड्स सो किसी ने ट्रांसफर किया परचे गुड्स तो किसी को मिला मिलास गुड्स नाउ कैन यू प्लीज टेल मी पहला वाला क्या है वाई वाई ने एक्स एक्स को तो y के में, can you see? 40, और X के क्रेडिट में में कैन कैन यू 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 सी और डेबिट इफ टेक अ स्मॉल पॉज एंड एनालाइज वट एवर आई रिटर्न डू यू विद दैट विदर्टी क्रेडिट होगा फोर्टी डेबिट होगा वाई को क्रेडिट एक्स को डेबिट नाउ एक्स ने वाई को किया थर्टी टू थाउजेंड टी टू थाउजेंड ना बेटा एक्स ने वाई को सो इधर थर्टी टू क्रेडिट इधर डेबिट थर्टी टू थाउजेंड से फिर आगे क्या है फिनिश गुड्स भी ट्रांसफर किए बेटा सो अगेन आई राइट डाउन फिनिश गुड्स ये समझ में आ रहा है क्या yes, दो जगह मैंने फिनिश लिखा बाय ट्रांसफर फिनिश गुड्स एंड टू ट्रांसफर फिनिश गुड्स बेटा वापिस देखो वाई ने एक्स को किया तो वाई को क्रेडिट 140 और एक्स को डेबिट 140 एक गलती आपको डुबा देगी लॉजिक बट एकदम सिंपल है एक्स ने वाई को किया एक्स को क्रेडिट और वाई को डेबिट वन लैख सिक्सटी थाउजेंड डी ऑल एप्रीशिएट अच्छा रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स बेटा सो बेटा जी रिटर्न है तो अगेन आई विल से कि एक का सेल्स रिटर्न होगा और एक का परचेस रिटर्न होगा किसी भी हालत में सेल्स रिटर्न हम क्या करते हैं सेल्स में से लेस करते हैं तो डेबिट में लिख सकते हैं या परचेस रिटर्न परचेस में से लेस करते हैं या क्रेडिट में अब बेटा अगर मैं इनर कॉलम बनाता परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न के लिए तो बेटा जी टोटल कितने कॉलम बन जाते आठ क्योंकि और दो दो कॉलम ऐड करने पड़ते हैं ना हर एक जगह पे बेटा उतना पॉसिबल नहीं था तो हम क्या करेंगे जो सेल्स है उसका सेल रिटर्न डेबिट में लिखेंगे और जो परचे है उसका परचेस रिटर्न क्रेडिट साइड में लिखेंगे सो so, मैं इधर क्या लिख रहा हूं बाय परचेस रिटर्न या अगर आप ऐसा लिखना चाहो तो रिटर्न बट आपके लिए मैं अंदर एक बात पहुंचाना चाहता हूं कि ये कौन से वाले रिटर्न है बेटा परचेस रिटर्न परचेस के उल्टे साइड में जा रहे हैं ना तो आप दिमाग में रखना अब सर परचेस रिटर्न शब्द क्यों नहीं यूज कर रहे हो क्योंकि बेटा अगर बाहर वाली पार्टी के साथ परचेस करता तो जरूर लिखता बट बाहर वाली पार्टी के साथ नहीं करा इंटर डिपार्टमेंटल है सो हम सिर्फ रिटर्न ही लिखेंगे यस और नो तो कितना बताओ अरे क्या कितना लिखो गुड़िया अच्छा ऐसा बोला ना रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स तो कैन आई नॉट से बाय डिपार्टमेंट वाई टू एक्स तो वाई के क्रेडिट में फोर्टी और एक्स के डेबिट में ना तो टू रिटर्न फोर्टी थाउजेंड अगर मेरी बात ध्यान से समझ रहे हो तो ये वाई का परचेस रिटर्न है और ये X का सेल्स रिटर्न है दिमाग में कूट कूट के भर लो ये सेल्स रिटर्न है क्योंकि सेल्स क्रेडिट में होता है तो उसका डेबिट में आ रहा है मतलब ये सेल्स रिटर्न है 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 और किसका है? X का सर आपको कैसे पता एकदम कॉमन सेंस वाई ने भेजा है तो वाई को क्रेडिट एक्स को डेबिट नेक्स्ट अब सोच के बताओ डिपार्टमेंट एक्स टू वाई किसने भेजा एक्स के क्रेडिट में कितना आएगा बेटा ट्वेंटी एट थाउजेंड तो बेटा एक्स का हुआ ये परचेस रिटर्न वाई का होगा सेल्स रिटर्न से यस और नो इसको पांच स्टार मार्क करके रखो ये तांडव मचाने वाला है और ये सेल्स रिटर्न आपके दिमाग में कूट कूट कर भर दिया मैंने सेल्स रिटर्न अब आगे बेटा क्या हुआ क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना लिख देंगे बेटा जी अंडरलाइन कर परचेज कर गुड्स कितना बेटा जी एटीन थाउजेंड ट्वेंटी फोर थाउजेंड और फिनिश गुड्स नाइनटी सिक्स थाउजेंड और फिफ्टी सिक्स थाउजेंड ड्यू एल एप्रिशिएट अब मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि आप यहां तक जीपी निकालिए लेट्स कैलकुलेट द जीपी तो पहले वाले का जीपी कितना आ रहा है एब्सोल्युटली राइट टू जीपी वन लैख सेवेंटी थाउजेंड बस बेटा हो गया फोर्टी एट थाउजेंड टू सेवेंटी टू माइनस उजेंड माइनस थर्टी टू वन लाख सिक्सटी एट बोल रही है तू ओके सो इट इज वन लाख सिक्सटी एट थाउजेंड मेरे हिसाब से भी वन लाख सिक्सटी एट थाउजेंड ठीक है बेटा कोई जनरल एक्सपेंसेस सो ये क्या आ गया आपका टोटल और फिर अब बेटा सुनो ना हम नीचे एक अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम लिखेंगे कंसोलिडेटेड पी एंड अकाउंट तो इसमें दोनों डिपार्टमेंट का लेंगे तो बाय जी पी एक्स वन लैख सेवेंटी थाउजेंड बाय जी पी वाई वन लैख सिक्सटी एट थाउजेंड अगर ये समझ में आ जाए तो बता देना कोई कॉमन एक्सपेंस बेटा कोई कॉमन एक्सपेंस नहीं इधर तक आ जाओ फिर हम आगे बढ़ेंगे बेटा मतलब स्टॉक रिजर्व के क्वेश्चन भी इजी होते हैं सिर्फ पॉइंट क्या है इधर तक तो आना पड़ेगा इवन द स्टॉक रिजर्व क्वेश्चन आर डैम इजी बट इधर तक तो आना पड़ेगा और इधर तक आने के आपको मार्क्स मिलेंगे इफ यू आर ओके कैन आई टेक यू द नेक्स्ट स्टेप यस नाउ यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू अंडरस्टैंड माई नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक वेरी क्लियरली एंड अंडरस्टैंड बेटा जो ओपनिंग स्टॉक है वो एट कॉस्ट है एट कॉस्ट है एट कॉस्ट है इसलिए स्टॉक रिजर्व नहीं है बट आपको अगर याद होगा ब्रांच में तो हम क्या लिखते थे ओपनिंग स्टॉक उसका स्टॉक रिजर्व क्रेडिट साइड में सो so, इधर बेटा जी सिर्फ आपकी जानकारी के लिए लिख रहा हूं बाय स्टॉक रिजर्व मैं लिख दूंगा नील कुछ भी स्टॉक रिजर्व नहीं है किस पर ये? ओपनिंग स्टॉक बेटा फिर मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछता हूं क्या क्लोजिंग स्टॉक पर कोई स्टॉक रिजर्व है क्या हो सकता है है ना क्लोजिंग स्टॉक पर स्टॉक रिजर्व अब क्लोजिंग स्टॉक पर स्टॉक रिजर्व के लिए तुम्हें परसेंटेज लगेंगे बट परसेंटेज लाऊं कहां से परसेंटेज से लाऊं तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा जीपी रेट अब यहां पर पूरी क्लास का बेटा, किस के, किस के अंदर है जरा मुझे सोच के बताना फाइव लैख सिक्सटी थाउजेंड के अंदर प्रॉफिट है क्या नहीं है हा है ना एक सेकेंड ठीक है पता नहीं मैं लेख सिक्सटी थाउजेंड के अंदर जीपी है अब जरा ध्यान से सुनो परचेस गुड जब हम ट्रांसफर करते हैं तो कौन सी वैल्यू पर करते हैं कॉस्ट या सेलिंग प्राइस, प्राइस। देख वापस से पढ़ जब परचेस गुड्स हम ट्रांसफर करते हैं तब हम कौन सी प्राइस पर करते कॉस्ट प्राइस मतलब सो का माल आया सो में ट्रांसफर किया सो बेटा जी इसमें जीपी नहीं है अगला आइटम फिनिश गुड्स हम किस पर ट्रांसफर करते मार्केट प्राइस हा या नहीं तो इसमें जीपी है क्या नहीं है है सो so बेसिकली बेटा ये सेल है ये सेल है अब थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा रिटर्न है मैंने इस तरफ लिखा है बट बेटा जी क्या ये परचेस रिटर्न है क्या नहीं है सो परचेस रिटर्न परचेस रिटर्न क्यों है बेटा जी कॉमन सेंस है माल बाहर गया तो परचेस रिटर्न और मैंने बताया परचेस डेबिट में तो रिटर्न क्रेडिट में तो कौन सा ही है परचेस रिटर्न आपको समझाया तो था So, बेटा परचेस रिटर्न है तो इसका मतलब वो परचेस में से लेस होता है और कितना लेस होगा एट कॉस्ट ही तो इसमें भी जीपी नहीं है क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट तो इनके अंदर भी जीपी नहीं है बेटा सुनो ना जो 160 आप बोल रहे हो ये क्या है ट्रांसफर किया है। से कुछ माल रिटर्न भी तो आया वो डेबिट में लिखा है 160 का माल भेजा हमने उसमें से रिटर्न आया 40 का मैंने बोला नहीं तांडव करेगा हाँ या ना देख लो रिटर्न लिखा है कि नहीं लिखा है? देखो मैं तुमको क्या बोल रहा हूं ये 40,000 किसने रिटर्न किया था जरा जाके देखो 40,000 किसने रिटर्न किया था वाई ने, 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 ने एक्स को तो बेटा जी एक्स का सेल था मतलब ये 160 में घुसकर बैठा था और वो रिटर्न हुआ तो सेल रिटर्न बेटा थाउजेंड एक्चुअली अगर मैं आपको बताऊं इफेक्टिव सेल जिसमें एक्स का प्रॉफिट है चुप झूठी फाइव लैख सिक्सटी थाउजेंड प्लस वन लैख सिक्सटी थाउजेंड माइनस फोर्टी थाउजेंड क्या आप स्वीकार करते हो कि नहीं करते हो

So, बेटा जी इसमें प्रॉफिट नहीं है और क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट होने का सवाल नहीं है और जो 160 के अगेंस्ट में डेबिट में लिखा है 40, 000, ये है एक्चुअली क्या सेल्स रिटर्न अगर होता तो वो लेस करते थे हम किस पर कमाया 6, 000, के सेल पर क्योंकि सिक्स लैख तुमने निकाला ना फाइव सिक्सटी सिक्स मैंने सुना नहीं बराबर से so, 560 तो तुम्हें पता है स्टॉक रिजर्व निकालना था तो तुम्हें जीपी रेट लगता है तो जीपी रेट हम कैसे निकालेंगे वन लैख सेवेंटी थाउजेंड डिवाइड बाई सिक्स लैक एटी थाउजेंड इन टू हंड्रेड अच्छा दूसरे वाले का बताओ किसमें किसमें जीपी है सेल्स में, में। बताओ गुड़िया कौन सा कौन सा, सा हाईलाइट करूं बताओ फिगर बताओ फोर लैख फोर्टी एट थाउजेंड वन लैख फोर्टी थाउजेंड और उसमें से कितना लेस होगा ट्वेंटी एट थाउजेंड और बेटा जी ये कुछ भी कर लो ये समझना ही पड़ेगा नहीं तो जीपी रेट कैसे कैलकुलेट किया बोम एक एक फिगर को पूछो क्या तेरे अंदर जीपी है कि नहीं यस और नो सो कैन आई नॉट से इधर ये तीन चार लाइन छोड़ दी इधर फिर अभी हम क्या लिखेंगे जीपी रेट जीपी रेट ऑफ डिपार्टमेंट एक्स और वाई सो so हम लिखेंगे सेल्स बुढ़े सेल्स बताओ कितना है तुम फाइनल फिगर बता रहे नहीं फाइव सिक्सटी फोर लैख फोर्टी एट थाउजेंड फाइनल नहीं बता रहे ना अच्छा <coughs> ऐड. ट्रांसफर ऑफ ट्रांसफर ऑफ फिनिश गुड्स. ट्रांसफर ऑफ फिनिश गुड्स ये एक्चुअली एक्स ने, ने, so, ने ट्रांसफर किया वन लैख सिक्सटी थाउजेंड और वाई ने ट्रांसफर किया वन लैख फोर्टी थाउजेंड और लेस रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स कितना है बेटा जी फोर्टी थाउजेंड एंड ट्वेंटी एट थाउजेंड ये क्या करेंगे लेस तो मुझे बताएंगे जरा टोटल सेल कितना है फाइव लैख सिक्सटी थाउजेंड प्लस वन लैख सिक्सटी थाउजेंड माइनस फोर्टी थाउजेंड कितना आएगा सिक्स लैख एटी थाउजेंड फाइव लैख सिक्सटी थाउजेंड एग्रीड सो दिस इज द सेल ऑन विच जीपी इज देर जीपी मतलब ये प्रॉफिट पर बेचा गया है सो so, बेटा जी अब हमको क्या करना है जीपी कितना है जीपी कितना है वन लैख सेवेंटी थाउजेंड सिक्सटी एट थाउजेंड सो जीपी रेट कितना आएगा वन लैख सेवेंटी डिवाइड बाय सिक्स लैख एटी थाउजेंड इन हंड्रेड and one lakh sixty eight thousand divided by five lakh sixty thousand into hundred can i have the gp rate of the first Twenty-five sure or twenty five percent or thirty percent are you sure i hope it makes a lot of sense to you okay मतलब स्टॉक रिजर्व लास्ट का छोटा सा पार्ट है बट वो इंटरेस्टिंग है सो ये वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट है कि नहीं है दिस वर्किंग नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट फाइव स्टार वर्किंग नोट मैं आगे लेके चलू अभी आपको ओके okay. अब और एक इंटरेस्टिंग सीनरी अभी तक हमने स्टॉक रिजर्व नहीं निकाला स्टॉक रिजर्व अभी हमें निकालना है बेटा पहले रफ में समझा रहा हूं एक्स का जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें माल कहां से आया एक तो एक्स ने खुद ने बनाया और माल कहां से आया वाई से परचेस किया वो तो ठीक है बाहर से आया उसमें स्टॉक रिजर्व नहीं है ना एक्स ने एक परचेस किया खुद से बनाया वो और कुछ माल कहां से आया था वाई से उतना ट्वेंटी है एक्स के पास जो स्टॉक है उस पर स्टॉक रिजर्व वाई की जीपी रेट से कैलकुलेट होगा यह भी समझना जरूरी है एक्स के स्टॉक पर एक्स की जीपी रेट अप्लाई नहीं होगी क्योंकि एक्स ने एक्स को नहीं बेचा है एक्स के माल वाई से आया है तो एक्स के माल के ऊपर वाई का जीपी रेट अप्लाई होगा यह मिस्टेक नंबर टू करता है बच्चा एक्स का माल है एक्स का ही जीपी रेट लगाएगा गड़बड़ होएगी ना भाई एक्स ने अपने आप को थोड़ी ना बेचा एक्स के पास जो माल है वो कहां से आया से सो so, स्टॉक किसका निकालना पड़ेगा y का जैसे याद है कि तुम्हें हम एचओ और ब्रांच करते थे तो ब्रांच के पास जो स्टॉक रहता था उस पर जीपी रेट हम किसके लगाते थे एचओ की वो वहां पर डायरेक्टली दिया जाता था इसलिए दो मिनट में कर लेते थे बट यहां पर हमने कैलकुलेट किया है उसी एंगल से एक्स के माल के ऊपर जीपी रेट लगेगी वाई की और वाई के माल पर जीपी रेट लगेगी एक्स की आर यू गेटिंग माई पॉइंट सो लिखिए नेक्स्ट वर्किंग नोट कॉम्पिटिशन ऑफ कॉम्पिटिशन ऑफ स्टॉक रिजर्व कॉम्पिटिशन ऑफ स्टॉक रिजर्व आर यू गेटिंग माई पॉइंट ओके नाउ लेट्स लेट्स अंडरस्टैंड इट इन द नेक्स्ट स्टोरी सो बेटा जी हम लिखेंगे डिपार्टमेंट एक्स वाई तो अब क्या लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट एक्स क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्योंकि उसी के अंदर ये है ना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के अंदर ही स्टॉक रिजर्व रहेगा बाकी में तो नहीं है तो एक्स का कितना लिखेंगे नाइनटी सिक्स और वाई का फिफ्टी सिक्स थाउजेंड से यस ये हुई फर्स्ट स्टेप स्टेप नंबर टू क्या करेंगे कितना परसेंट दूसरे डिपार्टमेंट का है राइट सो कैन आई नॉट से स्टॉक ट्रांसफर्ड फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट तो बेटा जी 96,000 का 25 परसेंट हा या नहीं रीड द स्टोरी 24,000 ये थाउजेंड कहां से आया हुआ है वाई से और 56,000 सिक्स थाउजेंड इंटू परसेंट इट इज 14,000 ये यह कहां से आया है एक्स से अब इंटरेस्टिंग देखो Third, GP rate for stock reserve. I will write down 30% and I will write down 25%. And there is no printing mistake. It is absolutely correct. Because this 24,000, So, GP rate, why? So, at this final stage, sir, I am calculating the stock reserve. And the stock reserve will be calculated as 24,000. इन 30 थर्टी बाय वन थर्टी आई होप आर गेटिंग माय पॉइंट चेक कर लो सो सॉरी एम सो सॉरी थर्टी डिवाइड बाय वन थर्टी नहीं आएगा क्योंकि जीपी रेट हमने सेल्स का ही निकाला था ना कॉस्ट का नहीं है सेल्स का ही निकाला ना ट्वेंटी फोर थाउजेंड इज ऑल्सो सेल्स सो थर्टी बाय हंड्रेड ही आएगा ये समझ में आ रहा है क्यों थोड़ा सा मैंने घाई कर दी जब थर्टी परसेंट निकाला तो सेल के कंपेरिजन में निकाला तो है ना तो इधर भी सेल वैल्यू है ट्वेंटी फोर थाउजेंड सो डायरेक्टली थर्टी बाय हंड्रेड आएगा सात हजार दो सौ और फोर्टीन थाउजेंड इंटू ट्वेंटी फाइव परसेंट थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड दिस इज द स्टॉक रिजर्व अभी स्टॉक रिजर्व किस पर है क्लोजिंग स्टॉक पर तो कौन से साइड में क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं क्रेडिट साइड में स्टॉक रिजर्व डेबिट साइड में और कौन से अकाउंट में कंसोलिडेटेड पी एंड एल अकाउंट हैव यू ऑल अंडरस्टूड तो एक फिगर के लिए कितना नाच है हमको पता है कि जिसके अंदर हमने पूरा वर्किंग किया और ये फिगर एक मिस्टेक हुई तो वो मार्क्स काटेंगे तो इसको समझ के करना और जब तक कंफर्टेबल नहीं हो तब तक इसको हाथ नहीं लगाना टू स्टॉक रिजर्व टू स्टॉक रिजर्व अगर आपको ब्रेकअप देना है तो ब्रेकअप दीजिए किसके किसके स्टॉक रिजर्व है नहीं वाई का है सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड या हम डायरेक्टली लिख देंगे स्टॉक रिजर्व सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड प्लस थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड ये वर्किंग किया ही है ना और कहीं कुछ कन्फ्यूजन हो गया कर गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी उन्होंने लिख दिया एक्स वाई तो अपन फंस जाएंगे ना उनको क्या चाहिए हमें क्या बताया वो तो एग्जामिनर मार्क काटने में तैयार रहेगा इससे अच्छा ज़्यादा ज्ञान बाटे ही नहीं उसको कि दस हज़ार सात सौ का स्टॉक रिजर्व है तो चेक कर ले भाई तो बेटा जी अभी बताओ मुझे कितना कंसोलिडेटेड पी एंड एल अकाउंट हुआ थ्री लैख ट्वेंटी सेवन थ्री हंड्रेड ये क्या आएगा टू 22 GP carried forward. <clears throat> अब जो मेरा सलूशन का फॉर्मेट है ये थोड़ा सा मॉड्यूल के फॉर्मेट से अलग है तो मैं समझाना चाहूंगा कि कहां फर्क है आर यू रेडी बेटा जी मॉड्यूल क्या करती है कि इधर मैंने अलग अलग फिगर्स दिखाए, और फिर इनका जीपी उठाकर काम कर दिया क्या करती है जब कंसोलिडेटेड रिजर्व कंसोलिडेटेड पी सेल्स दोबारा लिखते रहेंगे वो हर बार. हर एक की टोटल करके लिखेंगे तो जाहिर सी बात है जीपी तो उतना ही आएगा ना दोनों का मिलाकर और फिर स्टॉक रिजर्व करते है. तो मैंने क्या किया जीपी नहीं नहीं अलग अलग तो वो भी करते हैं बट जब कंसोलिडेटेड पी एंडल अकाउंट बनाते हैं तब जीपी लेकर शुरू नहीं करते दे अगेन कैलकुलेट द होल जीपी और वो कैसा सेल्स पूरा लेंगे ट्रांसफर पूरा लेंगे रिटर्न पूरा लेंगे सब चीजें ऐड कर कर करेंगे तो चॉइस इज योर्स तुमको करना है तो दोनों को ऐड कर कर भी लिखते चले जाना और फिर उसके बाद में बात तो एक ही है वही प्रॉफिट आना है इज दट ओके राइट सो चॉइस वुड बी योर्स नाउ लवली पीपल स्टॉक रिजर्व का कॉन्सेप्ट अब क्लियर हुआ तुमको ओके नाउ लेट्स गो टू अ वन स्टेप फर्दर थोड़ा सा और ट्रिकी क्वेश्चन सुनिए अभी इसमें चेन सिस्टम चलता है चेन मेरे एग्जाम्पल के पास ध्यान देंगे तो जल्दी समझ में आएगा पहला एग्जाम्पल सपोज यान डिपार्टमेंट है यान का मतलब क्या होता है धागा बनता है ठीक है यान डिपार्टमेंट के बाद में हम जाएंगे क्लोदिंग डिपार्टमेंट क्लोदिंग डिपार्टमेंट मतलब क्या कपड़ा और फिर लास्ट बनेगा फिनिश गुड्स ठीक है फिनिश गुड्स आई थिंक ये सभी लोग समझ सकते हैं इसलिए मैंने ये चीज ली ठीक है सो टू एक्सप्लेन यू आई विल मे बी टीच यू विद द हेल्प ऑफ माई हंकर ठीक है सो डिपार्टमेंट एक्स ने जो बनाया वो क्या बनाया इसका धागा इट इज वोवन इसका धागा बनाया एग्रीड यस सो धागा बना सौ रुपए में धागा बना सौ रुपए में और सौ रुपए पर उसने प्रॉफिट जोड़ दिया बीस रुपए और यह बन गया वन ट्वेंटी और इधर माल आ गया वन ट्वेंटी का इधर से क्या निकला सिर्फ धागा निकला बट धागे को विविंग किया गया कलरिंग किया गया फिनिशिंग किया गया तो उसमें कुछ खर्चा लगा कि नहीं लगा यस सो आई विल एड एक्सपेंस अगेन लेट्स अज्यूम हंड्रेड सो इसकी कॉस्ट हो गई टू ट्वेंटी अगर मैं पूछूं टू ट्वेंटी में कितना प्रॉफिट है उसी ऑर्गेनाइजेशन का तो मैं बोलूंगा यान डिपार्टमेंट का कितना है ट्वेंटी बट ऐसा नहीं निकाल सकते इसको निकालने का तरीका क्या मैं तुम्हें बताता हूं अगर आपको टू ट्वेंटी का स्टॉक दिया जाएगा तो पहले तुम्हें टू ट्वेंटी इंटू वन ट्वेंटी डिवाइड बाय टू ट्वेंटी करना पड़ेगा बोम नहीं मैं क्या बता रहा हूं 220 का माल है 220 में प्रॉफिट नहीं है 220 के एक हिस्से में प्रॉफिट है सो so, 220 के कौन से हिस्से में प्रॉफिट है 120 जो यान डिपार्टमेंट सेन ट्वेंटी डिवाइड बाई टोटल टू ट्वेंटी अरे नहीं, ये रेशियो है और ये स्टॉक है मान लो स्टॉक इधर बारह हजार भी होता तो भी हम यही रेशियो यूज करते कि नहीं मतलब 220 के माल में सिर्फ 120 में प्रॉफिट है क्योंकि इसमें तो प्रॉफिट नहीं है ना ये तो एट कॉस्ट ही है हाँ या नहीं ये एट कॉस्ट है तो बेटा जी आपको आई होप समझ में आ रहा है कि हम इसमें स्टॉक रिजर्व निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें केयरफुली ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि वॉट इज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ क्लॉथ एंड ऑफ दैट टोटल एक्सपेंडिचर हाउ मच हैज कम फ्रॉम डिपार्टमेंट यार्न और फिर वो रेशियो निकालकर यान का ये निकलेगा स्टॉक और फिर हम उस पर परसेंटेज लगाएंगे इंटू ट्वेंटी डिवाइड बाय वन ट्वेंटी आई होप यू गॉट माई पॉइंट कांड तो यहां पर हो रहा है इधर प्रॉफिट किया उन्होंने फिफ्टी और ये बन गया टू सेवेंटी और टू सेवेंटी चला गया इधर एग्रीड अब मैं पूछता हूं टू सेवेंटी में किसका प्रॉफिट है क्लोदिंग नहीं नहीं, नहीं क्लोदिंग बट क्लोदिंग की कॉस्ट में किसी और का प्रॉफिट है डिपार्टमेंट यान का ये चेन बनते जा रहा है हाँ नहीं अब बेटा जी जो मैं आज आपकी प्रॉब्लम लूंगा वो आई जे के लूंगा जिसमें के डिपार्टमेंट सेलिंग डिपार्टमेंट है तो के डिपार्टमेंट इज नॉट इनकरिंग ऑन इट्स ओन एनी एक्सपेंडिचर के डिपार्टमेंट अपना खुद का खर्चा कुछ नहीं करेगा बट जब मैंने रेगुलर बैच ली या अगर आप और थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये फिनिश गुड्स डिपार्टमेंट भी कुछ खर्चा करेगा मान लो इसमें 200 खर्चा किया तो ये बनेगा 470 अब तुम्हें पता चला क्या तुमको स्टॉक देंगे 470 का सो चार सौ में तुमको निकालना पड़ा कितना माल क्लोदिंग डिपार्टमेंट से है क्लोदिंग डिपार्टमेंट का फिर प्रॉफिट माइनस करेंगे तो तुम्हें मिलेगी कॉस्ट ऑफ क्लोदिंग बट कॉस्ट ऑफ क्लोदिंग में प्रॉफिट किसका है आय का यान का अभी तक मैंने कोई तांडव नहीं मचाया तांडव तो मैं अब मचा रहा हूं यहां तक समझ में आए अगर एग्जामिनर के माथे में कमीनापन सूझी गया तो वो बोलेगा कि आई भी इधर ट्रांसफर करता है मतलब आई फिनिश गुड्स को ट्रांसफर करता है सॉरी आई नहीं यान फिनिश गुड्स को ट्रांसफर करता है क्लोदिंग फिनिश गुड्स को ट्रांसफर करता है जो माल है उसमें ब्रेकअप करो क्लोदिंग से कितना आया और आई से कितना आया तो आय के अंदर से स्टॉक रिजर्व पहले माइनस होगा जो क्लोदिंग से आया पहले क्लोदिंग का स्टॉक रिजर्व या प्रॉफिट माइनस करो वहां से मिलेगी कॉस्ट ऑफ क्लोदिंग और कॉस्ट ऑफ क्लोदिंग में से क्या करोगे प्रॉफिट ऑफ यन माइनस करोगे ऑफिस बोम बोल कुल मिलाकर स्टोरी समझ में आई चेन बनती जाएगी तुम्हें याद है मैंने फर्स्ट सेशन में कहा था कि इसके बारे में लोगों को कंफ्यूजन है कि टॉपिक इजी है बट अगर एग्जामिनर बैंड बजाना चाहे तुम्हारी तो पूरी अच्छे से बैंड बजा देगा तो आई जे के ये क्योंकि रिविजन बैच है तो मैं यहां पर सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा बट मैं आपको ये क्लियरली बता दूं कि अगर आप बहुत ही एडवांस लेवल के प्रॉब्लम करना चाहते हो तो यू हैव टू चेक द रेगुलर बैच में जो मैंने क्वेश्चन कराया वो देखिए आप और एल्स आपको मॉड्यूल के क्वेश्चंस जो एडवांस लेवल के कुछ वो देखने पड़ेंगे और तो इसमें ऐसे हवा में मत रहना कि मेरे को आता है आई जे के मैं प्रॉब्लम में कॉन्सेप्ट पर फोकस करूंगा रादर देन सॉल्विंग मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द टाइम विद इन विच आई हैव टू वाइंड अप दिस सो फोकस ऑन कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट अगर आ गया तो मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम हो जाएगी वैसे मैंने इधर बता दिया कि कॉन्प्ट क्या है अच्छा गुड न्यूज ये है कि यहां पर स्टॉक रिजर्व में ही लफड़ा है तो मैं बच्चों को बताना चाहूंगा कि आप पहले ट्रेडिंग अकाउंट अगर तो प्लॉट करो लफड़ा कहां पे आएगा क्लोजिंग स्टॉक में स्टॉक रिजर्व कंसॉलिडेटेड पी एंड एल अकाउंट में आएगा ना लफड़ा तो वहां तक तो करो तो वहां तक करने के बाद में चीजें आसान हो जाएगी सो ऑल आर रिक्वेस्टेड टू कम डाउन टू द क्वेश्चन नंबर थ्री तो वापिस मैं इस क्वेश्चन को डिवाइड करूंगा दो हिस्सों में वन विच इज ईजी पार्ट एंड अदर वन इज स्टॉक रिजर्व Stock reserve, we will see how to do it. So, if you check carefully, we are there on page number 6. Nandalal Limited has three departments. It is IJK. The following information is provided for the year ended 31st March. One is IJK. You have got opening stock 5000, 8000, and 19000. एंड ओपनिंग रिजर्व फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट तुमने एग्जामिनर के पैर पकड़ लेने चाहिए कितना एग्जामिनर है खुद से ही स्टॉक रिजर्व दे दिया है ना फिर मटेरियल कंज्यूम्ड दिया है बेटा मटेरियल कंज्यूम नहीं इसको कैंसिल करो इसको बोलो परचेस्ड क्योंकि बेटा अगर कंज्यूम्ड दिया तो ओपनिंग स्टॉक नहीं आ सकता सो so, ये मटेरियल परचेस्ड होना चाहिए बकवास करते डायरेक्ट लेबर है क्लोजिंग स्टॉक है सेल्स दिया हुआ है एरिया ऑक्यूपाइड इन स्क्वायर मीटर दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज स्टॉक ऑफ ईच डिपार्टमेंट आर वैल्यूड एट कॉस्ट टू द डिपार्टमेंट कंसर्न स्टॉक ऑफ आई आर ट्रांसफर टू जे एट कॉस्ट प्लस ट्वेंटी परसेंट ऑन सेल्स अदर कॉमन एक्सपेंसेसरीज स्टाफ वेलफेयर एटीन एंड रेंट सिक्स थाउजंड प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पी एंडल अकाउंट जैसे मैंने कहा मैं इसमें क्या एक्सप्लेन करूं कॉन्सेप्ट तो मैं क्या करूँगा पहले ट्रेडिंग पी एंडल अकाउंट बनाऊंगा जहां तक मेरे को जमता है वहां तक काम कर दूंगा उसके आगे का आगे देखेंगे क्या करना एग्री so boys and girls let us create first trading and profit and loss account and i shall say it shall be like this i j k i j k गुड़िया सो फर्स्ट क्या लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक फाइव थाउजेंड एट थाउजेंड नाइनटीन थाउजेंड फिर इधर नीचे लिखेंगे बेटा स्टॉक रिजर्व का जो एडजस्टमेंट है कभी भी कंसॉलिडेटेड पीएंडल में होता है इधर डिपार्टमेंट को थोड़ी ना पता रहेगा कि कितना स्टॉक रिजर्व है तो ये लास्ट में करेंगे टू परचेसेस वो कंज्यूम्ड वर्ड गलत है बेटा उधर टू परचेसेस कितना लिखेंगे बेटा सिक्सटीन थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड और नील टू तो डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट लेबर इज कॉस्ट ना बेटा नाइन थाउजेंड एंड टेन थाउजेंड वेरी गुड बेटा और यहां पर आएगा नील क्लोजिंग स्टॉक दिया ना बेटा फिर बाय क्लोजिंग स्टॉक और उसके लिए लिखेंगे हम फाइव थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड एंड फाइव थाउजेंड और इधर लिखेंगे बाय सेल्स क्या बेटा सेल्स में केक तो के सेलिंग डिपार्टमेंट है बेटा एक्चुअली ऐसे होता है ना मार्केटिंग डिपार्टमेंट हाँ। तो ये दो लोग मैन्युफैक्चर करेंगे और के सिर्फ सेल करेगा के का कोई खर्चा नहीं है चेक कर लो बट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में के को भी खर्चा कराएंगे के सेल भी करेगा तो फिर और कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती जाती है बट अभी हम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन ही देख रहे आगे सेल्स हो गए अब क्या करना है इधर टू सैलरी दी है ना बेटा नीचे सैलरी सैलरी कौन से रेशियोज में बढ़ेंगे बेटा नंबर ऑफ एंप्लॉयज दिए क्या थर्टी ट्वेंटी एंड टेन सो कैन आई नॉट से थ्री इज टू टू इज टू टेन इज थ्री इज टू टू इज टू वन थ्री इज टू टू इज टू वन बराबर है क्या 30,

सिक्स थाउजेंड को फाइव थ्री टू में करके बताओ थ्री थाउजेंड थाउजेंड एट हंड्रेड थाउजेंड टू हंड्रेड डेट्स करेक्ट बेटा नाउ आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल टू कैलकुलेट वॉट टू जी पी टू जी पी फाइव थाउजेंड माइनस फाइव थाउजेंड माइनस ओ ओ एक एक और चीज रह गई है गोडबोर हो गया हाँ क्या गॉडबर्ड हो गई किसी को आइडेंटिफाई होगा ट्रेडिंग कंप्लीट नहीं है मैंने माना कंप्लीट है ट्रेडिंग मैंने माना कंप्लीट है बट कंप्लीट नहीं है हाँ ट्रांसफर की एंट्री बाकी है ना बेटा ट्रांसफर की एंट्री क्या बाकी है गया तो खतरनाक है हमारा ये बंद कर दिया पूछा भी नहीं तो ट्रांसफर किसने किसको किया तो तो आई ने किसको किया जे को तो बेटा कैसे ट्रांसफर किया पढ़ो देखो स्टॉक ऑफ आई आर ट्रांसफर टू जे एट कॉस्ट प्लस ट्वेंटी परसेंट तो मुझे क्या करना पड़ेगा आय की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी उसमें ट्वेंटी परसेंट जोड़ना पड़ेगा और किसको भेजना पड़ेगा जे को जरा देखो मैं जितना मटेरियल ट्रांसफर किया उसका लॉजिक बता रहा हूं मुझे बताओ, मेरे पास पांच लड्डू थे, मैंने परचेस किए दस लड्डू मेरे पास तीन लड्डू बचे पांच दस पंद्रह और तीन बचे अरे लड्डू पांच ओपनिंग है दस मैंने बाय किए मेरे पास अभी बच गए कितने तीन कितने ट्रांसफर किए बारह तो बेटा जी कॉस्ट पूरी पंद्रह लेकर नहीं चलेगी जितना ट्रांसफर किया उसी की कॉस्ट लेनी पड़ेगी एग्रीड सो so, क्या मैं सही बता रहा हूं क्या ये पांच हजार प्लस सोलह हजार प्लस नौ हजार माइनस पांच हजार करना पड़ेगा प्लस सिक्सटीन थाउजेंड प्लस नाइन थाउजेंड माइनस फाइव थाउजेंड सो कितना है बेटा ट्वेंटी फाइव थाउजेंड आया क्या सो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पर कितना ट्रांसफर किया मैंने ट्वेंटी परसेंट सो कैन आई नॉट से बाय ट्रांसफर किसने ट्रांसफर किया आई ने किया क्या सो so, बेटा जी मैं करूंगा ट्वेंटी फाइव थाउजेंड प्लस ट्वेंटी परसेंट तो आई ने ट्रांसफर किया तो कितने में किया आई का सेल थर्टी yeah. और टू ट्रांसफर एग्रीड ये कितना आ जाएगा बेटा जी इधर थर्टी थाउजेंड जे का क्या हो गया कॉस्ट जे का कॉस्ट और आई का क्या हो गया सेल ओके टेक रेस्ट नाउ यू टेल मी आई सॉरी जे किसको ट्रांसफर करेगा के को तो सेम लॉजिक वही जो आई के लिए यूज किया वही बट कभी भी ध्यान में रखना पहले आई का कॉस्ट निकालना जे को ट्रांसफर करना तो जे के एक कॉस्ट बन जाएगी हा या नहीं K. और उसके कॉस्ट पर लोडिंग करके हम किसको भेजेंगे के को सो टेक ऑन ए कैलकुलेटर एट थाउजेंड प्लस ट्वेंटी थाउजेंड प्लस टेन थाउजेंड प्लस थर्टी थाउजेंड माइनस ट्वेंटी थाउजेंड कितना फोर्टी एट थाउजेंड रेट देखो क्या बोला ट्वेंटी परसेंट ऑन सेल्स तो घाई मत करो ये देखो सी प्लस पी इज इक्वल टू एस पी परसेंटेज दिया सेल्स का इसलिए हंड्रेड कितना परसेंट है बेटा ट्वेंटी तो ये कॉस्ट कितनी है एट्टी सोच के बताओ फोर्टी एट थाउजेंड तुम्हें कॉस्ट ही तो पता है या नहीं तो तुम्हें सेलिंग प्राइस निकालना है हाँ। तो मैं फोर्टी एट थाउजेंड इधर लिखूंगा हाँ। और मुझे निकालना है सेलिंग प्राइस सो फोर्टी एट थाउजेंड इंटू हंड्रेड डिवाइड बाई एटी सो कैन आई नॉट से फोर्टी एट थाउजेंड डिवाइड बाई एट्टी परसेंट कितना आ जाएगा सिक्सटी थाउजेंड सो बेटा जी इधर इसका सेल दिखेगा सिक्सटी थाउजेंड सही है क्या सिक्सटी थाउजेंड दिख रहा है समझ में आएगा कैसा है और इधर कॉस्ट दिखेगी सिक्सटी थाउजेंड मैं इसकी वर्किंग वापस बता रहा हूं जो जे का माल है वो ट्रांसफर हुआ है किसको के को तो मैंने कॉस्ट निकाली बेटा आठ प्लस बीस हजार प्लस दस हजार प्लस तीस हजार माइनस बीस हजार है हाँ नहीं तो बेटा जी मुझे इसका फोर्टी एट थाउजेंड कॉस्ट मिला और इस फोर्टी एट थाउजेंड का मैंने वर्किंग देना है कुछ इस तरीके से बेटा इसका वर्किंग इधर दे रहा हूं मैं फोर्टी एट थाउजेंड डिवाइड बाय एट्टी परसेंट सिक्सटी थाउजेंड है, सो बॉयज एंड गर्ल्स अब मुझे बताओ अब जीपी निकाल सकते हैं क्या यस, yes. yes. तो अब निकालो टू जी पी ये क्लियर है बेटा यहाँ तक टू जी पी निकालो सो थर्टी फाइव थाउजेंड माइनस फाइव थाउजेंड माइनस सिक्सटीन थाउजेंड माइनस नाइन थाउजेंड कितना आ रहा 5, है फाइव थाउजेंड आया दूसरे का सिक्सटी थाउजेंड प्लस ट्वेंटी थाउजेंड माइनस एट थाउजेंड माइनस ट्वेंटी थाउजेंड माइनस टेन थाउजेंड माइनस थर्टी थाउजेंड कितना रहा ट्वेल्व थाउजेंड बिल्कुल सही बेटा और लास्ट वाले का कितना रहा सिक्स थाउजेंड पक्का चेक कर लो बेटा ठीक है तो सिक्स थाउजेंड अब बेटा क्या करना है कैरी फॉरवर्ड कर देंगे इसको बाय जीपी ब्रॉड डाउन पांच हजार बारह हजार छ हजार अब ए ये कितना रेशोतर है रेंट का फाइव इज टू ओके थैंक यू कितना बता रही थी बेटा कितना हाँ ओके ओके थाउजेंड टू तो हंड्रेड अब इसके बाद में नेट प्रॉफिट निकालो टू एनपी इसमें तो लॉस आ, आ रहा है बेटा so, सो अच्छा इधर लिख दो बाय नेट लॉस नौ तीन बार सात हजार आ रहा है ना अच्छा दूसरे वाले पोटे का क्या है बारह हजार माइनस फोर थाउजेंड टू हंड्रेड श्योर है और लास्ट वाले का भी प्रॉफिट आ रहा है थाउजेंड एट हंड्रेड से अच्छा मुझे लगता है यहां तक आने में कोई दिक्कत नहीं है हैप्पी yes, अब क्या करेंगे कंसोलिडेटेड कंसोलिडेटेड पी एंडल अकाउंट तो बेटा जरा देखो आपको समझ में आ रहा है क्या मैं लिखूंगा बाय नेट प्रॉफिट ऑफ डिपार्टमेंट वाई जेड दो ही कोई प्रॉफिट है ना कितना है बेटा जी फोर थाउजेंड सॉरी जे के है क्या आई जे के हाँ जे के जे को है फोर थाउजेंड टू हंड्रेड के को है वन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड टू नेट प्रॉफिट है ऑफ डिपार्टमेंट सॉरी नेट लॉस ऑफ डिपार्टमेंट आय कितना है बेटा जी यू आर सच ए लवली पीपल सेवन थाउजेंड अब नेक्स्ट बाय बाय मुझे क्या लिखना है स्टॉक रिजर्व ओपनिंग दिया है तो मेरे हिसाब से स्टॉक रिजर्व कैन आई नॉट राइट डाउन टू थाउजेंड प्लस थ्री थाउजेंड फाइव थाउजेंड है क्या यू हैव बीन अमेजिंग सो फार अब तुम्हारे दिमाग को चालू रखो बंद नहीं होना चाहिए पैराशूट और बंद हुए तो सीधे धड़ाम नीचे आके गिरोगे बात सिर्फ है स्टॉक रिजर्व के टू स्टॉक रिजर्व ठीक है, इसमें जीपी रेट वगैरह सब कुछ अपने पास है मैं इसमें एक नया लॉजिक देने वाला हूं रेडियो बेटा जब कॉस्ट निकालनी थी ट्रांसफर प्राइस निकालना था तो अब हमने ओपनिंग स्टॉक वगैरह सब कुछ लिया और कॉस्ट निकाला हाँ नहीं, अब जरा मैं तुमको बोल रहा हूं उसके बारे में ध्यान से सुनो 5000 में तो स्टॉक रिजर्व नहीं है क्योंकि आय को कोई ट्रांसफर नहीं करता जे में प्रॉफिट है बट पूरे बीस हजार में नहीं है क्योंकि बीस हजार को प्रॉफिट अगर निकालना है तो तुम जरा ध्यान से डेबिट साइड में देखो कुछ खर्चा जे खुद करता है और कुछ माल आय से आता है तो मतलब जो प्रोडक्ट है ना जे के पास वो पूरा का पूरा आय से नहीं आया हुआ है इस प्रोडक्ट में कुछ कॉम्पोनेंट आय से आए तो हमें बीस हजार में वो कॉम्पोनेंट कितना आया आय से ये निकालना पड़ेगा अब मेरा पहला एजम्पन होगा कि वी आर फॉलोइंग फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यों क्योंकि बेटा जी जो आठ हजार है ना ये आठ हजार का माल भी तो बीस हजार में बच सकता है ना जो आठ हजार का माल है वो भी तो बीस हजार में बच जाएगा ना अगर वो बच गया तो जो स्टॉक रिजर्व ओपनिंग स्टॉक का है वही स्टॉक रिजर्व क्लोजिंग भी रहेगा तो मेरा पहला अजम्पन क्या फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब आठ हजार का माल बिक गया तो जो बीस हजार में है बचा हुआ वो इतना ही है ये देखो कौन सा वाला है बीस हजार जो है उसकी कॉस्ट ये वाली है जो क्रेडिट में माल बचा है तो वो कॉस्ट में से ही बचा होगा ना सो कैन आई नॉट से द ट्वेंटी थाउजेंड जो माल है वो डेबिट साइड के जो माल से उससे डिपेंड करता है सो कैन आई नॉट से जे स्टॉक रिजर्व सॉरी मैंने गलती लिख दी स्टॉक रिजर्व ऑफ आय इन स्टॉक ऑफ जे ये समझ I profit, में आए आय का प्रॉफिट किसके अंदर जे के स्टॉक में सो आई विल राइट डाउन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ जे कैन आई से ट्वेंटी थाउजेंड फिर मैं लिखूंगा कॉम्पोनेंट कॉम्पोनेंट ऑफ स्टॉक फ्रॉम आय ध्यान से देखना ट्वेंटी थाउजेंड मार ले बेटा इंटू टोटल खर्चा कितना है जो ब्लू कलर से हाईलाइट किया हो देखो बीस हजार दस हजार और तीस हजार ये खर्चा है क्या मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं आठ हजार क्यों नहीं लिया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फिफो के हिसाब से तो बच्चा वाला यही वाला क्लोजिंग स्टॉक में घुसकर बैठा होगा सो कैन आई नॉट से माई टोटल एक्सपेंडिचर इज सिक्सटी थाउजेंड कैसे है ट्वेंटी थाउजेंड प्लस टेन थाउजेंड प्लस थर्टी थाउजेंड उसमें से आई से कितना आया था साठ हजार में आय से कितना आया था चेक करो आई से कितना आया था थर्टी था तो कि नहीं है ट्रांसफर बीस और दस तो हमने किया परचेस और डायरेक्ट लेबर उसमें प्रॉफिट नहीं है प्रॉफिट से थर्टी थाउजेंड है सो बेटा जी कैन आई नॉट से बीस हजार में आधा माल थर्टी थाउजेंड का कॉम्पोनेंट आउट ऑफ टोटल सिक्सटी थाउजेंड कहां से आया था आई से कितना है बेटा जी टेन थाउजेंड से यस सो बेटा जी स्टॉक रिजर्व कैसे आएगा एकदम सिंपल स्टॉक रिजर्व कैसा एकदम सिंपल टेन थाउजेंड इंटू वाट इज द जीपी रेट कॉस्ट प्लस ट्वेंटी परसेंट है ना सो इंटू ट्वेंटी डिवाइड बाई वन ट्वेंटी आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट क्योंकि टेन थाउजेंड तो सेलिंग प्राइस है जो कहां से आया होगा आई से बट आई कैसे बेचता है कॉस्ट प्लस ट्वेंटी परसेंट सो टेन थाउजेंड इंटू ट्वेंटी डिवाइड बाय वन ट्वेंटी कितना आएगा वन सिक्स सिक्स सेवन जिनको ये याद नहीं आ रहा सी प्लस पी इज इक टू वॉट एस पी और ये आया हंड्रेड ये आया ट्वेंटी ये आया वन ट्वेंटी बेटा जी ये मुझे दस हज़ार सेलिंग प्राइस पता है क्यों क्योंकि जे को तो आई की सेलिंग प्राइस ही पता होगी ना सो मैं कितना लिखूंगा टेन थाउजेंड और मेरा प्रॉफिट कितना होगा एक्स तो ये आया वन सिक्स सिक्स सेवन ये आपके समझाने के लिए किया अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पहले लिख कर ले लो स्टॉक रिजर्व ऑफ आई इन स्टॉक ऑफ जे मतलब आई का प्रॉफिट इन स्टॉक ऑफ जे यहां तक हो जाए तो बता देना अरे रेडी अब बेटा ये किसका स्टॉक रिजर्व निकाला हमने आय का और किसके स्टॉक में जे के बट बेटा स्टॉक रिजर्व हमें और निकालना पड़ेगा कौन से स्टॉक में के के पास भी स्टॉक है के के पास जो स्टॉक है उसको किसने ट्रांसफर किया है जे ने कैसे मैं तुम्हें प्रूव करता हूं ये देखो के, के पास सेल दिख रहा है तुम्हें और स्टॉक भी दिख रहा है ब्लू कलर के हाईलाइट के पास पांच हजार बड़े, पांच हजार माल क्या हमने कोई मैन्युफैक्चर किया क्या मेरे कर्सर के पास ध्यान दी ये कहां से ट्रांसफर से आया होगा अब तुम्हारे पास दो क्वेश्चन सर उन्नीस हजार में से भी आ सकता है पांच हजार में उन्नीस हजार का भी माल बचा हो सकता है पांच हजार बट हमारा अजम्पशन क्या है फिफो सो फिफो है मतलब उन्नीस हजार का माल पांच हजार में नहीं है ये ऐसा करना ही पड़ेगा बेटा जूम नहीं तो कौन सा वाला माल है कैसे पता चलेगा तो जो करंट ईयर में ट्रांसफर हुआ है उसमें से ही पांच हजार बचा होगा बेटा साठ हजार पूरा का पूरा कहां से आया था जे से तो जे से आया था तो जे का हमें प्रॉफिट मार्जिन पता है डायरेक्टली सो so, अब ये तो जीपी है so, बेटा पांच हजार सेलिंग प्राइस ऑफ जे होगा कॉस्ट टू के सेलिंग प्राइस ऑफ जे तो क्या so, मैं डायरेक्टली पांच हजार पर कितना परसेंटेज लगा सकता हूं ट्वेंटी परसेंट लगा सकता हूं क्या क्योंकि सेलिंग प्राइस पर ही है एग्रीड सो लिखिए स्टॉक रिजर्व of i and j in stock of k मैंने अभी तक आपको सिर्फ j का सिखाया i का बताया नहीं बट मैं आपको लिखता हूं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ के फाइव थाउजेंड है स्टॉक रिजर्व ऑफ जे के पहले का के डिपार्टमेंट का नाम क्या है जे अच्छा फाइव थाउजेंड इज कॉस्ट टू के बट सेलिंग प्राइस ऑफ जे के का कॉस्ट जे का सेलिंग प्राइस सो बेटा जी जे कैसे स्टॉक रिजर्व चार्ज करता है देखो जरा ट्वेंटी परसेंट ऑन सेल्स है क्या सो कैन आई नॉट से फाइव थाउजेंड इन ट्वेंटी परसेंट कितना आ जाएगा थाउजेंड स्टॉक रिजर्व आया क्या mm -hmm. बेटा स्टॉक रिजर्व माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा कॉस्ट ऑफ बोलो सोच के बताओ अगर समझाए तो के पांच हजार जो कॉस्ट है उसमें से स्टॉक रिजर्व ऑफ जे माइनस किया तो क्या मिलेगा बचाओ, बचाओ क्या नहीं नहीं बचाओ आएगा का? कॉस्ट ऑफ किसका मिलेगा जे का कॉस्ट मिलेगा क्योंकि इस ये सेलिंग प्राइस ऑफ जे है ना उसमें से प्रॉफिट माइनस कर दिया तो क्या मिलेगा कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट जे चार हजार बट बेटा डिपार्टमेंट जे मैन्युफैक्चर करने के लिए से भी तो माल लेता है मतलब ये जो चार हजार है ये किसकी कॉस्ट है जे का बट जे की कॉस्ट में कहीं से तो आता है ना मैं माल आई से मतलब ये चार हजार में मैं कह नहीं सकता स्टॉक रिजर्व ऑफ आई भी तो आएगा बट आय का इतना इजी नहीं है निकालना आय का कैसे निकलेगा फोर थाउजेंड पूरी क्लास ध्यान से देखेगी इनटू इन टू थर्टी थाउजेंड डिवाइड बाय सिक्सटी थाउजेंड डायरेक्टली परसेंटेज अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि जो चार हजार का माल है उसमें पूरा का पूरा माल आज से नहीं आया हुआ है कुछ 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 जो भी खर्चा करता है अपने आप से उसमें स्टॉक रिजर्व नहीं है तो साठ हजार का खर्चा था उसमें से तीस हजार कहां से आया था आज से इंटू कितना परसेंट है ट्वेंटी डिवाइड बाय वन ट्वेंटी सोचो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा नहीं मुझे नहीं समझा क्या चार हजार किसकी कॉस्ट है जे का जे, का। जे की कॉस्ट में कहां से माल आता है आई से आई पूरा बेचता है कि प्रपोर्शन बेचता है प्रपोर्शन तो क्या वो प्रपोर्शन में बराबर बता रहा थर्टी थाउजेंड डिवाइड बाई सी थाउजेंड और परसेंटेज है ट्वेंटी परसेंट प्लस कॉस्ट तो चार हजार तो सेलिंग प्राइस है ना ऑफ व्हाट आई आई मतलब जो दो हजार का कॉम्पोनेंट निकलेगा ना इसमें ये किसकी सेलिंग प्राइस है आई की तो इसलिए ट्वेंटी बाय वन ट्वेंटी और ये कितना आएगा बेटा जी थ्री 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 डू एल अप्रिशिएट सो कैन आई नॉट से थाउजेंड इज स्टॉक रिजर्व थ्री 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 इज स्टॉक रिजर्व सिक्स सेवन इज ऑल्सो स्टॉक रिजर्व अब अपने को ब्रेकअप नहीं देना है ना आई का कितना है? वैसे आई का देखेंगे तो थ्री 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 प्लस वन सिक्स सिक्स सेवन सो दैट इज टू थाउजेंड और जे का देखा जाए तो कितना है वन थाउजेंड हाँ या ना बट क्या हमें ब्रेकअप देना है क्या नहीं तो कैन आई नॉट से कैन आई नॉट से आई विल से स्टॉक रिजर्व कितना है वन सिक्स सिक्स सेवन प्लस वन थाउजेंड प्लस थ्री 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 कितना आ जाएगा थ्री थाउजेंड इज द टोटल स्टॉक रिजर्व और उसके बाद में अब मुझे बताओ नेट प्रॉफिट कितना है नेट प्रॉफिट बेटा इधर जीपी नहीं बोलेंगे नेट प्रॉफिट ही बोलेंगे वन थाउजेंड आ रहा है वन थाउजेंड आ रहा है टू नेट प्रॉफिट तो लास्ट में स्टॉक रिजर्व बहुत तांडव करता है ये वाला ये फिर भी मैं दोहरा रहा हूं कि सिर्फ कॉन्सेप्ट क्वेश्चन था इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था दिस वॉज ओनली अ अन्सेप्ट क्वेश्चन बिकॉज एट रिविजन बैच आई के नॉट अफोर्ड टू टेक यू नो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट आई नीड टू बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस आपको आइडिया लग गई कि कैसा करना होता है और इसमें कॉम्पोनेंट निकालने पड़ते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के और उसके बेसिस पर स्टॉक रिजर्व निकलता है एग्रीड एक नोट लिख लीजिए इट इज अज्यूम दैट फीफो मेथड इज यूज फीफो मेथड इज यूज फॉर इश्यू फिफो मेथड इज यूज फॉर इश्यू अब लास्ट पार्ट एक क्वेश्चन आपको मैं बोलूंगा कि रेगुलर बैच से आपको करना है और जिसका वीडियो इसमें डल जाएगा जो वर्चुअल और पेनड्राइव के कर रहे हैं वो भी सुन ले वो क्वेश्चन आपको तभी करना है जब आपको ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट पता हो इसके आगे का जो क्वेश्चन करना है वो किस पर बेसिस पर करना है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट जीपी अकाउंट सो वैसे ही यहां पर मार्कअप अकाउंट नाम से वर्ड होगा क्या अकाउंट होगा मार्कअप तो जिसमें स्टॉक विल बी सेंट एट अ लोडेड प्राइस और उसका मार्कअप हम क्या कर देंगे क्रेडिट सो ब्रांच एडजस्टमेंट याद आ रहा है कि आपको बताओ स्टॉक के डेबिट में एडजस्टमेंट के क्रेडिट में अगर स्टॉक को सेल किया ट्रेड डिस्काउंट दिया कम दाम पर तो उसका एक इफेक्ट जाता था मार्कअप के डेबिट में अगर स्टॉक लॉस बाय फायर हो गया तो स्टॉक के क्रेडिट में और मार्कअप के एडजस्टमेंट के डेबिट में याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ब्रांच पी एंड के भी डेबिट में जाता था नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट पूरा का पूरा स्टॉक के क्रेडिट में और एडजस्टमेंट के डेबिट में यस और नो सेम लॉजिक से आपको एक मार्कअप अकाउंट का क्वेश्चन होगा डिपार्टमेंट में विच यू हैव टू सॉल्व और वो थोड़ा सा मुश्किल होने की वजह से मैं वो कॉन्सेप्ट यहाँ से दोबारा डील नहीं करूंगा वो डेप्थ में ही आपने देखना चाहिए क्योंकि सोलह मार्क का एक क्वेश्चन दो बार आ चुका है और अगर दोबारा आया so maybe you, you should not lose the marks is that okay so boys and girls with this i must say that departmental revision account is done. is that okay all right thank you so much khuda hafiz bye bye